हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है साम खान और आप देख रहे हैं मज़ेदार कॉलेज। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं एसपी का चैप्टर नंबर 2, जो कि है सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो चलिए चलिए जान लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। सो 2.1 इंट्रोडक्शन, जिसमें आएगा ओन कैपिटल और बोरोड कैपिटल। 2.2 शेयर्स एंड फीचर्स ऑफ शेयर्स। 2.3 इक्विटी शेयर्स एंड फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। 2.4 प्रेफरेंस शेयर्स एंड फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 2.5 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 2.6 रिटेन अर्निंग विद इट डिटर्मिनेंट्स। 2.7 डिबेंचर्स एंड फीचर्स ऑफ डिबेंचर। 2.8 टाइप्स ऑफ डिबेंचर। 2.9 एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड बॉन्ड विद इट्स फीचर। 2.9 ADR, GDR एंड कमर्शियल बैंक। और 2.11 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेड क्रेडिट। सो चिल्ड्रन, सो 2.1 और 2.2 ये होगा हमारा लेक्चर नंबर 1। 2.3 इक्विटी शेयर और फीचर ये होगा लेक्चर नंबर 2। प्रेफरेंस शेयर और उसके फीचर होगा लेक्चर नंबर 3। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर ये होगा लेक्चर नंबर 4। रिटर्न अर्निंग और डिटर्मिनेंट ये होगा लेक्चर नंबर 5। डिबेंचर एंड फीचर ऑफ डिबेंचर ये होगा लेक्चर नंबर 6। टाइप्स ऑफ डिबेंचर ये होगा लेक्चर नंबर 7। एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट एंड बॉन्ड ये होगा लेक्चर नंबर 8। ADR, GDR एंड कमर्शियल बैंक ये होगा लेक्चर नंबर 9। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेड क्रेडिट ये होगा लेक्चर नंबर 10। ओके चिरन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन और शेयर्स और उसके फीचर्स से। सी, सो कंपनी रिक्वायर फाइनेंस और कैपिटल टू रन द बिजनेस एक्टिविटी। वेरियस सोर्स ऑफ फाइनेंस अवेलेबल टू बिजनेस मे बी एक्सप्लेन विद द फॉलोइंग चार्ट। अब क्या होता है चिल्ड्रन, अब कंपनी के पास ये जो चैप्टर है ये है किसके ऊपर है, सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये आपको पता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब सोर्स मतलब क्या होता है, सोर्स मतलब होता है जरिया। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस का जरिया मतलब कॉर्पोरेट के पास जो पैसा आएगा वो कहाँ से आएगा, उसका जरिया क्या है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे डिस्कस करने वाले हैं। सी, तो यहाँ पे क्या बता रहा है कि कंपनी को कैपिटल यानी कि फाइनेंस की ज़रूरत पड़ेगी उसको बिजनेस एक्टिविटी यानी बिजनेस को चलाने में। ठीक है, तो बिजनेस अवेलेबल कैसे होगा वो आप ये फ्लोट चार्ट से समझ सकते हो। सी, सोर्स ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल, मतलब जो कैपिटल आएगा, ठीक है, वो जो फाइनेंस आएगा, ठीक है, वो कौन से टाइप्स ऑफ कैपिटल पे बेस होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले ही लेक्चर में बताया था, पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कंपनी पैसे को रेस किस तरह से कर सकती है, ओन कैपिटल से भी और बोरोड कैपिटल से भी, है ना। तो कॉर्पोरेट के पास जो पैसा आएगा उसको जरिया क्या है, जरिया दो जरिया, एक है ओन कैपिटल और एक बोरोड कैपिटल। सी, एक है ओन कैपिटल, दूसरा है बोरोड कैपिटल, राइट। अब ओन कैपिटल में क्या होता है चिल्ड्रन, ओन कैपिटल में दो चीज़ें आती हैं। सबसे पहला आता है शेयर्स और उसके बाद आता है रिटेन अर्निंग। आई बात समझ में। अब आपके इस चैप्टर में शेयर्स जो हैं वो दो पार्ट में डिवाइडेड है चिल्ड्रन। सी, सबसे पहला आता है इक्विटी शेयर्स और उसके बाद आता है प्रेफरेंस शेयर। आई बात समझ में। तो ये तो आता है ओन कैपिटल में। अब हम बात करते हैं बोरोड कैपिटल में। बोरोड कैपिटल में क्या आता है चिल्ड्रन, बोरोड कैपिटल में आता है डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, ADR, GDR, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आती है। सो चिल्ड्रन, आप टेंशन मत लीजिए। अब जो भी मैंने आपको बताया, ओन कैपिटल में शेयर्स बताया, इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, उसके बाद में रिटेन अर्निंग बताया, फिर बोरोड कैपिटल मैंने डिबेंचर, पब्लिक डिपॉजिट, बॉन्ड, ADR, GDR, बैंक, है ना, ये सब बताया। तो यही सारी चीज़ों को हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में यही बताना था कि ये चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कि मतलब कंपनी के पास जो पैसा आएगा, ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस जो होगा वो कहाँ से आएगा, उसका जरिया क्या। तो ये दो जरिया है, एक है ओन कैपिटल और एक बोरोड कैपिटल। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं शेयर्स, ठीक है, और उसके फीचर के बारे में। क्लियर हो गया चिल्ड्रन, फिर ऐसे ही कर करके हम ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे पूरे चैप्टर में। क्लियर, तो चलिए जान लेते हैं कि शेयर्स क्या होता है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेयर्स। सी, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू मैनी यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिमिनिशन, ईच सच यूनिट इज कॉल्ड अ शेयर्स। अब क्या होता है चिल्ड्रन, जो शेयर कैपिटल है कंपनी का, ठीक है, वो छोटे छोटे डिनोमिनेशंस में क्या है, बटा हुआ है। ओके, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है, मतलब कंपनी का जो पैसा है चिल्ड्रन वो क्या है, छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है। और ये जो छोटे हिस्से हैं, ये जो छोटे यूनिट है, इस यूनिट को बोलते हैं शेयर्स। आई बात समझ में। मतलब क्या, शेयर का मतलब क्या, कि भाई कैपिटल का जो छोटा सा हिस्सा है ना, उसको हम बोलते हैं शेयर्स। आई बात समझ में। अब क्या होता है, कंपनी में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, तो सब जन थोड़ा 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 करके पैसा लगाएंगे, तो वो जो थोड़ा थोड़ा पैसा लग रहा है चिल्ड्रन, ठीक है, वो जो कैपिटल लग रहा है, दैट इज नथिंग बट अ शेयर्स। आई बात समझ में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, अ शेयर इज स्मॉल पार्ट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ अ कंपनी, अ पर्सन होल्डिंग सच शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर।
आई बात समझ में, कि जो भी टोटल कैपिटल होता है उसका स्मॉल पार्ट होता है, छोटा छोटा हिस्सा होता है, उसको हम शेयर बोलते हैं। और जो भी बंदा मतलब पैसा लगा रहा है यानी कि शेयर खरीद रहा है, तो उस बंदे को हम बोलते हैं शेयर होल्डर। आई बात समझ में, जिसने भी पैसा लगाया, ठीक है, स्मॉल यूनिट लगाया कंपनी में, तो ये मतलब उसने क्या करा, शेयर खरीदा, ठीक है, तो उस पर्सन को हम क्या बोलेंगे, इस पर्सन को हम बोलेंगे शेयर होल्डर। आई बात समझ में पक्का? तो चलिए एक डेफिनेशन देख लेते चिल्ड्रन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, शेयर्स मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। सी, तो कंपनी एक्ट 2013 उसका सेक्शन 2 सब सेक्शन 84 में भी यही बताया कि शेयर का मतलब होगा जो भी शेयर कैपिटल होगा, ठीक है, उसमें से एक हिस्से को कहेंगे शेयर, ठीक है, और उसमें स्टॉक भी इंक्लूड होगा। आई बात समझ में? तो ये था चिल्ड्रन मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेयर। तो चलिए फीचर्स देख लेते हैं शेयर्स के, क्या फीचर्स हैं। सी, फीचर ऑफ शेयर, सबसे पहला पॉइंट मीनिंग। अब इसका मीनिंग क्या, ये तो हमने देख लिया, फिर ठीक है देख लेते हैं। शेयर्स कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू मेनी यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन, इज सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। ये तो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, जो भी कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, ठीक है, उसका जो छोटा छोटा हिस्सा होता है चिल्ड्रन, ठीक है, उस हिस्से को, उस छोटे यूनिट को बोलते हैं शेयर। अ शेयर रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट यूनिट और अ पार्ट ऑफ टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, है ना, जो भी कंपनी के पास जितना भी टोटल कैपिटल होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है ये शेयर। ओके, चलिए नेक्स्ट, ओनरशिप। अब जो बंदा इसको ओन करेगा उसे क्या बोलते हैं हम, शेयर होल्डर। सी, अ पर्सन होल्डिंग शेयर इज नोन एज शेयर होल्डर। आई बात समझ में? चलिए, थर्स इट इज अ प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ द शेयर होल्डर दैट इज शेयर होल्डर इज द पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी। अब शेयर होल्डर क्या होता है चिल्ड्रन, जो बंदा मतलब शेयर खरीदता है उसे शेयर होल्डर बोलते हैं। अब बंदे ने शेयर खरीदा मतलब उसने पैसा लगाया, तो वो एक तरह से क्या हो गया, एक तरह से प्रूफ हो गया कि हाँ भाई वो क्या बन गया, अभी शेयर होल्डर ओनर बन गया। क्यों? बिकॉज उसने कंपनी के शेयर खरीदे, कंपनी कुछ हिस्से को खरीदा पैसा लगा कर। आई बात समझ में? तो ये था ओनरशिप। ओके, उसके बाद डिस्टिंक्ट नंबर। ओके, डिस्टिंक्ट नंबर का मतलब क्या होता है, अलग अलग नंबर, ठीक है। सी, अनलेस डीमटेरियलाइज ईच शेयर हैज डिस्टिंक्ट नंबर फॉर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। अब क्या होता है चिल्ड्रन, हर शेयर पे, हर शेयर का अलग अलग नंबर होता है। जब हम शेयर खरीदते हैं तो शेयर होल्डर को क्या मिलता है, शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। क्या मिलता है, शेयर सर्टिफिकेट। तो उस सर्टिफिकेट पे क्या होता है चिल्ड्रन, शेयर का नंबर लिखा होता है कि आपने कितने से कितने तक का शेयर खरीदा, उस शेयर का प्राइस क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें लिखी होती है। तो उसमें नंबर होता है, हर शेयर का एक अलग नंबर होता है, ठीक है। ई शेयर हैज़ अ डिस्टिंक्ट नंबर नोन एज RF नंबर, रजिस्टर फोलियो नंबर, इट इज़ मैंशन ऑन द शेयर सर्टिफिकेट। जैसे कि मैंने बताया हर शेयर का क्या होता है, नंबर होता है, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं, RF नंबर, यानी कि रजिस्टर्ड फोलियो नंबर, ठीक है। और ये नंबर कहाँ मैंशन होता है, शेयर सर्टिफिकेट पे मैंशन होता है। आई बात समझ में? चलिए चौथा पॉइंट देख लेते हैं, एविडेंस ऑफ टाइटल। एविडेंस यहाँ पर मतलब है प्रूफ। ओके, तो प्रूफ ऑफ टाइटल क्या मतलब इसका, सी, अ शेयर सर्टिफिकेट इशू बाय अ कंपनी अंडर इट्स कॉमन सील, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर। अब चिल्ड्रन, जो बंदा शेयर होल्डर, ठीक है, वो क्या करता है, शेयर को खरीदता है, तो उसको क्या मिलता है, शेयर सर्टिफिकेट मिलता है। तो शेयर सर्टिफिकेट ना एक प्रूफ है, ठीक है, किसका प्रूफ है, कि हाँ भाई आपने इतने इतने शेयर को आप ओन करते हो, कंपनी का आपने इतना इतना शेयर जो है खरीदा है, ठीक है। और वो जो शेयर सर्टिफिकेट आता है उस पर कंपनी का थप्पा होता है, कॉमन सील होता है। आई बात समझ में? ठीक है, अ शेयर इज नॉट एनी विजिबल थिंग, इट इज शोन बाय अ शेयर सर्टिफिकेट और इन द फॉर्म ऑफ डीमैट शेयर। अब शेयर जो चिल्ड्रन, उसको हम देख तो नहीं सकते, विजिबल तो नहीं है, तो उसकी पहचान कैसी होगी, उसकी पहचान होगी शेयर सर्टिफिकेट से या फिर एक डीमैट शेयर अकाउंट से, ठीक है। डीमैट शेयर अकाउंट वो अकाउंट है चिल्ड्रन, या डीमैट शेयर वो है, एक अकाउंट बनाया जाता है शेयर को प्रिजर्व करने के लिए। जैसे हम मनी को रखने के लिए हमारा बैंक अकाउंट खुलवाते, ठीक उसी तरह शेयर के लिए भी एक डीमैट अकाउंट होता है। आई बात समझ में? तो शेयर क्या है, एक एविडेंस ऑफ टाइटल है शेयर सर्टिफिकेट। ओके, इससे प्रूफ मिलता है कि हाँ भाई शेयर होल्डर ने इतने शेयर्स कंपनी से खरीदे हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ शेयर। अब वैल्यू ऑफ शेयर मतलब क्या, सी, ई शेयर हैज़ अ वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी देर मे बी। अब जो शेयर है चिल्ड्रन, उस शेयर का कुछ वैल्यू होगा मनी में, वो क्या हो सकता है, सी, सबसे पहला फेस वैल्यू, दिस वैल्यू इज रिटर्न ऑन ई शेयर सर्टिफिकेट। सबसे पहला वैल्यू आता है शेयर का, वो होता है चिल्ड्रन फेस वैल्यू। अब फेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू वो वैल्यू होता है कि कितने में शेयर बिका, शेयर की कीमत क्या है। जैसे नोट होता है,
नोट पे लिखा रहता है 10 रुपये का नोट है, 50 रुपये का नोट है, 100 रुपये का, है ना। तो उसी तरह शेयर सर्टिफिकेट पे भी लिखा होगा, किसकी कीमत लिखी होगी, शेयर की, तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू। तो जो भी दाम, ठीक है, जो भी दाम लिखा है, ओके, वो क्या होगा, फेस वैल्यू। उसके बाद इशू प्राइस, इट इज़ अ प्राइस एट विच कंपनी सेल इट शेयर। ये तो बहुत आसान था समझना, इशू प्राइस क्या होगा, वैसा प्राइस जिस पे कंपनी क्या कहती है, शेयर को बेचती है, ठीक है, उसे इशू प्राइस बोलते हैं। लास्ट में मार्केट वैल्यू, दिस वैल्यू ऑफ शेयर इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्स इन द शेयर मार्केट। अब मार्केट वैल्यू क्या है कि भाई वो जो शेयर है वो शेयर की मार्केट में डिमांड कितनी है, मार्केट में उसका दाम कितना रहा है, वो कैसे डिटरमाइन होता है शेयर का वैल्यू, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। आई बात समझ में, फेस वैल्यू क्या होता है, ऐसा वैल्यू जो शेयर सर्टिफिकेट पे रिटर्न होता है, जैसे कि नोट पे कैसा लिखा रहता है पैसा, ठीक है, उसी तरह शेयर सर्टिफिकेट पे उसका वैल्यू लिखा रहेगा, तो उसको बोलते हैं फेस वैल्यू, राइट। उसके बाद इशू प्राइस मतलब कौन से प्राइस पे कंपनी शेयर को सेल करेगी, और मार्केट प्राइस मतलब कि शेयर का जो वैल्यू मार्केट में क्या है, कैसे डिटरमाइन होगा, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। राइट्स, अब जो बंदा यानी कि शेयर होल्डर जिसने शेयर खरीदा उसके पास क्या क्या राइट्स होगी। सी, शेयर होल्डर आर द ओनर ऑफ द कंपनी, दे प्रोवाइड कैपिटल टू द कंपनी बाय परचेसिंग शेयर। क्लियर हो गया, शेयर होल्डर कौन है, ओनर है, क्यों, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, कंपनी में पैसा लगाते हैं और वो क्या करते हैं, शेयर को परचेस करते हैं, तो इसीलिए वो ओनर है। देयर फोर अ शेयर कन्फर सर्टन राइट्स ऑन इट्स होल्डर, सच एज राइट टू रिसीव डिविडेंड, राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, राइट टू अटेंड शेयर होल्डर्स मीटिंग एंड राइट टू वोट एट सच मीटिंग्स एक्सेट्रा। तो जब वो शेयर होल्डर क्या बन गए, चिल्ड्रन एक तरह के ओनर बन गए, तो उनके पास कुछ राइट्स आते हैं। वो राइट्स क्या है कि उनको डिविडेंड मिलना चाहिए, डिविडेंड मतलब क्या, प्रॉफिट कंपनी जो कमाएगी उसके बदले में उनको मिलेगा, जितना उनका हिस्सा है शेयर उसके हिसाब से उनको डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। राइट टू इंस्पेक्ट स्टैट्यूटरी बुक्स, है ना, लेजर वगैरह सब क्या करते हैं वो लोग, इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद शेयर होल्डर की कोई मीटिंग होगी तो उसको भी वो अटेंड करते हैं, ठीक है। और उनके पास राइट होता है कि वो मीटिंग में वोट वगैरह कर सकते हैं, ओके। तो एज अ ओनर ये सब उनके पास राइट्स होते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट, इनकम। अब इनकी इनकम क्या होगी देखते हैं। अ शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड टू गेट अ शेयर इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज़ कॉल्ड डिविडेंड। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनी क्या करती है, शेयर होल्डर को पैसे देती है, ठीक है, डिविडेंड देती है। वो डिविडेंड किसके हिसाब से मिलता है, जितना उनका शेयर है, ठीक है, उनको प्रॉफिट दिया जाता है तो वो उनकी इनकम होती है, उसको बोलते हैं हम डिविडेंड, ओके। जो प्रॉफिट जो कंपनी देती है शेयर होल्डर को शेयर के बदले, उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। उसके बाद शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। और शेयर होल्डर को ये डिविडेंड कब मिलता है, डिविडेंड मतलब क्या, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड बाय कंपनी टू इट्स शेयर होल्डर, है ना। जो कंपनी क्या करती है, अगर शेयर होल्डर को प्रॉफिट देती है तो उसे क्या बोलते हैं हम, डिविडेंड। और ये डिविडेंड शेयर होल्डर को कब मिलता है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है, ठीक है, तब शेयर होल्डर को ये डिविडेंड दिया जाता है। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी, अब शेयर ट्रांसफ़र हो सकते कि नहीं हो सकते उसके बारे में बता रहे हैं। सी, द शेयर्स ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। सी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है ना चिल्ड्रन, उनके जो शेयर्स है वो आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। किसके मुताबिक ट्रांसफ़र हो सकते हैं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से, ठीक है, जो भी कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, जो भी उनका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है उसके हिसाब से। और उसके बाद वेयर एज शेयर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल। पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो उसके शेयर ट्रांसफरेबल है, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफ़र नहीं किए जा सकते, ओके। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ शेयर्स, इसका क्या मतलब होता है। सी, शेयर इज़ अ मूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ अ शेयर होल्डर। शेयर जो है चिल्ड्रन एक मूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब एक शेयर होल्डर दूसरे शेयर होल्डर को भी अपना शेयर जो है वो ट्रांसफ़र कर सकता है, राइट। शेयर होल्डर हैव राइट टू सेल शेयर टू एनी पर्सन दे लाइक एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब शेयर होल्डर के पास पूरा राइट है कि वो किसी दूसरे पर्सन को भी क्या कर सकता है, सेल को शेयर कर सकता है, ठीक है, और फिर जो पैसा आएगा वो किसी और कंपनी में भी वो लगा सकता है, ठीक है। तो ये शेयर क्या, एक तरह से प्रॉपर्टी है, किसके लिए, शेयर होल्डर के लिए। और लास्ट, काइंड ऑफ शेयर, काइंड मतलब टाइप्स ऑफ शेयर, कितने टाइप्स के शेयर होते हैं। से, एज पर सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ कंपनी कैन इशू डिफरेंट टाइप या काइंड ऑफ शेयर। सेक्शन 43 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से कंपनी जो है वो डिफरेंट काइंड ऑफ शेयर को इशू कर सकती है।
अ कंपनी कैन इशू टू टाइप्स ऑफ ये काइंड्स ऑफ शेयर, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो कंपनी क्या कर सकती है, दो तरीके के शेयर को इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। ओके सो चिल्ड्रन, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर इसके बारे में हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए एक बार रिविजन देख लेते हैं। रिविजन किसके बारे में पढ़ा हमने, ओके हमने पढ़ा फीचर ऑफ शेयर और शेयर्स के बारे में, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा हमने, मीनिंग, शेयर क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल उसको शेयर बोलते हैं। उसके बाद ओनरशिप, ठीक है, जो बंदा उसे ओन करता है उसे क्या बोलते हैं, हम शेयर होल्डर। उसके बाद डिस्टिंक्ट नंबर, हर शेयर का अलग अलग डिस्टिंक्ट नंबर होता है, अलग अलग नंबर होता है, वो किस पे लिखा होता है, शेयर सर्टिफिकेट पे लिखा होता है। उसके बाद एविडेंस ऑफ टाइटल, मतलब क्या, एक प्रूफ होता है, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट जो शेयर होल्डर को दिया जाता है तो वो एक तरह का प्रूफ होता है कि हाँ भाई शेयर होल्डर ने इतने इतने शेयर को खरीदा है, ठीक है। उसके बाद वैल्यू ऑफ शेयर, अब शेयर की कितनी वैल्यू होगी, फेस वैल्यू, जो किस पे लिखी होती है, शेयर सर्टिफिकेट पे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है उसका मार्केट वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू क्या होता है कि भाई मार्केट में उसका क्या वैल्यू है, आई बात समझ में, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, इशू प्राइस, कि मतलब कंपनी कितने में सेल को इशू कर रही, सेल कर रही, ओके ठीक है। उसके बाद राइट, अब शेयर होल्डर क्या है, पैसा लगाता है कंपनी में, कैपिटल लगाता है और शेयर खरीदता, तो वो एक तरह से ओनर है, तो शेयर होल्डर के पास भी राइट्स होती है। चलने कैसी राइट, कि उसको डिविडेंड मिलना चाहिए, वो मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट को भी मेंटेन कर सकता है, ओके। उसके बाद इनकम, इनकी इनकम क्या होगी, इनकी इनकम होगी डिविडेंड, जो कंपनी देगी, कब देगी, फाइनेंशियल ईयर में, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद ट्रांसफरेबिलिटी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं, ठीक है, वो ट्रांसफर किए जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ शेयर, ठीक है, अब शेयर जो है वो एक तरह की प्रॉपर्टी, शेयर होल्डर क्या कर सकता है, अपने शेयर को किसी और पर्सन को भी दे सकता है। और लास्ट में हमने देखा काइंड्स ऑफ शेयर, कंपनी दो तरीके के शेयर को इशू कर सकती है, कौन से, इक्विटी शेयर के और प्रेफरेंस शेयर को। आई बात समझ में, सो आई होप चिल्ड्रन आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।